हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में इस वर्ष वार्षिक परीक्षा होने वाली है, जिसमें बहुत से शिक्षकों और पेरेंट्स और बच्चों को भी ये डाउट था कि इनके बोर्ड पेपर होंगे कैसे, होंगे इनका एडमिट कार्ड होगा तो कैसे मिलेगा, इनका जो सेंटर है स्कूल का वो अगर बनेगा तो कहाँ पर बनेगा, क्या उन्हीं के स्कूल में बनना है या अदर स्कूल में। इसी से संबंधित राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक प्रपत्र जारी किया गया है, जिसमें कि आपके इन बिंदुओं के बारे में दिया गया है, जिसका विषय है प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5वीं व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8वीं परीक्षा 2022 और 2023 के आयोजन संबंधी निर्देशिकाएं। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस ईयर जो हमारी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएँ वो क्या हो रही हैं, बोर्ड, जिसमें कि आपके शासकीय और अशासकीय दोनों विद्यालय जुड़े हुए हैं, जो कि अपने बच्चों को किसी अदर स्कूल में भेजकर उनके पेपर होंगे जो कि बोर्ड हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है इस प्रपत्र में और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए इसमें बनेंगे। तो परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा, ये जनशिक्षा केंद्र के लिए दिया गया है, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सत्र 2022 और 23 की जो परीक्षा हेतु है उसे आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल जो कि हमारा बना हुआ था www.rskmp.in, जिस पर बच्चों के सभी मैपिंग जो बच्चे हैं 5वीं और 8वीं के, उनके हाफ ईयरली के मार्क्स सभी शालाओं द्वारा, शासकीय और अशासकीय शालाओं द्वारा दर्ज किए गए थे। अब इसमें जो दिया हुआ है 3.1 छात्र सत्यापन। छात्र सत्यापन इसका अर्थ ये है कि जो आपका स्कूल है यूडाइस है, जिसमें आपने कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों की मैपिंग की है, वो आपके www.rskmp.in पर भी वही बच्चे हैं या नहीं है, तो इसका सत्यापन सर्वप्रथम होगा जो कि आपका 28 फरवरी 2023 से होगा। तो शाला की यूडाइस अंतर्गत छात्रों के पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान, पंजीयन एवं सत्यापित करना, त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर उसका सुधार करना, सूची में प्रदर्शित कोई छात्र यदि वर्तमान में उस शाला में अध्ययनरत नहीं है तो उपयुक्त कारण दर्ज करते हुए छात्र को अनमैप करना। जैसे कि किसी के स्कूल में अगर कोई फिफ्थ क्लास में अदर छात्र भी है और उस क्लास में नहीं पढ़ रहा है, आपके स्कूल में नहीं है, तो उसको अनमैप करना है और उसका क्यों वो अनमैप कर रहा है उसका कारण दर्ज करना है। परीक्षा केंद्र का निर्धारण, अब परीक्षा केंद्र कैसे बनेंगे जो कि 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए होंगे। BRC पोर्टल पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र को चिन्हित कर शाला में कक्षाओं की उपलब्धता अनुसार परीक्षा केंद्र की क्षमता दर्ज करेंगे तथा कड़िका 5 में वर्णित दिशा निर्देशक अनुसार परीक्षा केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का भी चयन करेंगे। तो ये BRC का काम है कि वह अपने एरिया में जो भी स्कूल हैं जिनको वो केंद्र बनाना चाहते हैं, उन शालाओं के जो शिक्षक हैं उन्हीं को केंद्राध्यक्ष और केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष ये दोनों बनाएंगे, जो कि 28 फरवरी 2023 तक होगा। इसके बाद में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है 3.4 जन शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के अंतिम प्रवेश पत्र, जो कि बच्चों के प्रवेश पत्र हैं वो कब तक आ जाएंगे, वो 4 से 5 मार्च तक आएंगे पोर्टल पर, जो कि जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा उनको प्रिंट आउट लिया जाएगा और 6 से 10 मार्च तक यहाँ पर शालाओं को, शासकीय और अशासकीयों को वो प्रवेश पत्र दे दिए जाएंगे, जिसमें कि संबंधित शाला प्रभारी द्वारा अंतिम प्रवेश पत्रों में दिए गए विवरण का मिलान कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का सुधार करना। जैसे कि किसी बच्चे के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फादर के नाम में मिस्टेक होती है, तो यह कार्य शाला प्रभारी का होगा जो कि 6 से 10 मार्च तक वह पूर्ण करेगा। इसके बाद में परीक्षार्थियों के अंतिम प्रवेश पत्र के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थियों की अध्ययनरत शालाओं के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। जन शिक्षा केंद्र के द्वारा 11 से 13 मार्च 2023 तक जो भी बच्चों के एडमिट कार्ड हैं कक्षा 5वीं और 8वीं के शासकीय और अशासकीय शालाओं के, तो इनके प्रवेश पत्र यहाँ पर ये 11 से 13 मार्च तक शाला प्रभारी मतलब शासकीय शालाओं को प्रवेशित किए जाएंगे, जहाँ की शाला प्रभारी का दायित्व होगा कि वह 15 मार्च 2023 तक
15 मार्च 2023 तक सभी 5वीं और 8वीं के छात्रों को वह प्रवेश पत्र भौतिक रूप से उनको प्रदान कर दें। अब यहाँ इसके बाद में जो 3.9 से 3.12 तक ये पूरा कार्य जहाँ पर अशासकीय विद्यालय और शासकीय विद्यालयों के 5वीं और 8वीं के छात्र जो कि पढ़ेंगे पेपर देने जाएंगे ये उनका कार्य। आप चाहें तो इसका PDF लिंक में आपको मिल जाएगा। अब इसको और अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो अशासकीय और शासकीय शालाएँ हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है 3.13 प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन। कड़िका 9 में वर्णानुसार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण करना होगा। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। बच्चों से जो है प्रोजेक्ट बुक जो सभी स्कूलों में प्रदान की गई होगी उसमें कोई 2 प्रोजेक्ट लिखवाने और इनका जो चेकिंग का कार्य है वो विषय का जो शिक्षक होगा उसको करेगा जो कि 28 मार्च फरवरी को करेगा। देन परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का पत्रक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा करना शाला प्रभारी द्वारा 25 मार्च 2023 तक। जहां पर जो भी प्रभारी या कक्षा शिक्षक जो है विषयवार वो जब इनका सबका चेकअप कर लेंगे तो उनको मार्क्स देंगे बच्चों जो कि आपके 20 में से होंगे। उनका जो एक प्रपत्र बनेगा वह शाला प्रभारी द्वारा जन शिक्षा केंद्र में 25 मार्च 2023 तक जमा करना होगा। फिर इसके बाद में जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा उस प्राप्त अंकों को पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा बच्चों के लिए। देन इसके बाद में 3.14 जो है उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, यह कार्य मूल्यांकन केंद्र प्रभारी द्वारा किया जाएगा जो कि आपका कब तक हो जाएगा 10 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 3.14 के अनुसार परीक्षा परिणाम परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करना। तो जैसे ही बच्चों 5th और 8th के बच्चों के पेपर हो जाएंगे उनका मूल्यांकन हो जाएगा उनके जो मार्क्स हैं वो पोर्टल पर दर्ज कर दिए जाएंगे। दर्ज करने के बाद में इनका जो रिजल्ट है वो 20 अप्रैल 2023 के बाद घोषित हो जाएगा। अब परीक्षा केंद्र पर की जाने वाली संबंधित कार्यवाही, ये जो हमारे शासकीय और अशासकीय विद्यालय जो कि कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए केंद्र बनेंगे ये कार्य उनका होगा। जहाँ की परीक्षा का पोर्टल से जनरेट हुए प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा यह जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का दायित्व होगा कि वे अपने शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं शासकीय अशासकीय इनको 15 मार्च तक प्रवेश पत्र को सुनिश्चित करें कि बच्चों को बांट दिए गए हैं। परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रतिदिन बैठक व्यवस्था की जानकारी परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। इसका मतलब ये नोटिस बोर्ड पे जो परीक्षा केंद्र बने हैं वह इनकी जानकारी को चस्पा करेंगे, चिपकाएंगे। इसके बाद में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनके बच्चों के जो मार्क्स हैं वो विषयवार कितने मिलेंगे। कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के जो बच्चे हैं उनका सभी को पता है कि 20 नंबर का जो है वो प्रोजेक्ट कार्य और 60 अंक का जो है वो लिखित परीक्षा कार्य होगा, जिसमें कि लिखित परीक्षा जो है वो 60 मार्क्स की है और प्रोजेक्ट कार्य जो है वो 20 मार्क्स का है। तो पूर्णांक इनका बनता है 80। ऐसे ही कक्षा 8 के लिए सभी विषय को मिलाने के बाद में जब इनका महायोग बनेगा जितने भी प्राप्तांक मिले हैं वो किससे होंगे, कक्षा 5वीं के 400 से और कक्षा 8वीं के 480 मार्क्स से। तो ये सारी जानकारी इसमें दी है। यह प्रपत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अटैच मिलेगा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा और अपने कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों की बोर्ड पैटर्न की जो तैयारी है उसको सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।